बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अरूज और आप देख रहे हैं लाइफस्टाइल विद अरूज। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं बीफ के शामी कबाब। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चलें जी हम बनाते हैं अपने आज बीफ कबाब, शामी कबाब। ठीक है, ये मैंने बोनस लिया 1 kg, छोटे छोटे इसको मैंने तकरीबन इस साइज की जो पीसेस है वो करवा लिए हैं। ठीक है, अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे ये 3 टुकड़े मैंने अदरक के लिए। ठीक है, 1 इंच का टुकड़ा था इसके मैंने 3 स्लाइस कर लिए हैं। ये 5 से 6 कलियां इसकी ली हैं मैंने लहसुन की। ठीक है, ये हम साबुत ही डाल देंगे इसके अंदर। और ये छोटे साइज का मैंने प्याज लिया है, इसको मैं मोटा मोटा स्लाइस में कट कर लिया है रफ सा। ठीक है, अब इसके अंदर हम करेंगे 1 टीस्पून नमक ऐड। ठीक है, 1 टीस्पून मैंने भर के ऐड किया है। 1/2 टीस्पून हम इसमें हल्दी का ऐड करेंगे। वन टीस्पून इसमें भर के मैंने मिर्चों का डाल दिया। ठीक है, ये ड्राई मसाले हैं, ये मैंने 2 लिए हैं तेज़पत्ते। ठीक है, ये मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। अब मैंने 1 टीस्पून लिया है इसका साबुत धनिया का, 1 टीस्पून लिया है साबुत जीरे का, 1/2 टीस्पून मैंने लिया है साबुत काली मिर्च, 2 स्टिक मैंने लिए दालचीनी की, 3 मैंने लिए ग्रीन इलायची, 1 मैंने लिए ब्लैक बड़ी वाली इलायची, 3 मैंने लिए लौंग। ठीक है, अब सारे मसाले ये मैं दड़दड़े से कूट लूँगी, कूट के फिर हम ये इसके अंदर ऐड करते हैं। ये देखें, ये सारे मसाले मैंने कूट लिए हैं। ठीक है, ये अभी हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। अब इसके अंदर हम 1/2 लीटर जो है पानी का ऐड करेंगे। ये 1 कप दाल है, ये मैंने तकरीबन 1 घंटा पहले की भिगो के रखी हुई है, चने की दाल है। ठीक है, अब ये भी हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। इसको ऐड करने के बाद इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको मैं 10 से 12 मिनट प्रेशर पर लगा देती हूँ। ठीक है, चलो जी प्रेशर हमने खोल लिया है, गोश हमारा गल गया, दाल भी हमारी गल गई हुई है। ठीक है, अब इसको चॉपर में डाल लेते हैं, चॉपर में डाल के इसको पीस लेते हैं। इसको मैंने जो है ना सीटी चलने के बाद 15 मिनट जो इसको पकाया है। ये देखें, हम थोड़ा थोड़ा लेके इस तरीके से छोटे छोटे से गोल से टिक्कियाँ बना लेते हैं इसकी। इस तरीके से हम सारी बना के रख लेंगे, फिर उसके बाद इसको फ्राई करते हैं, जितनी हमें ज़रूरत है बाकी हम फ्रीज कर देंगे। ये मैंने मिक्सी में पीस लिया इसको चॉपर में डाल के। ठीक है, इस तरीके से हम इसकी सारे की टिक्कियाँ बना लेंगे। टिक्कियाँ बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये जी सारी मैंने ये बना ली हैं, देखें इस शेप की तैयार हो गई हैं, और कुछ मैंने करके फ्रीज़र में रख दी हुई हैं। ठीक है, अब ये पैन में मैंने तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल डाल लिया हुआ है, और ये एक अंडा है, इसको मैंने अच्छी तरीके से बीट कर लिया फोक की हेल्प से। ठीक है, अब इसमें हम अंडे में इसको कोट करेंगे इस तरीके से। ठीक है, अब सारी इसी तरह हम फ्राई कर लेंगे। देखिए मैंने बहुत थोड़ा सा ऑयल डाला है, इसमें ज़्यादा ऑयल नहीं डालना, थोड़ा सा ऑयल में बड़ी अच्छी तरीके से फ्राई हो जाती है। ठीक है, आप चाहें तो इसमें हरा धनिया और प्याज पुदीना हरी मिर्च डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाली क्योंकि मेरे घर पे वो खाया नहीं जाते इस तरीके से, तो मैंने नहीं डाली, आप वो भी डाल सकते हैं। इस तरीके से हम इसको उल्टा लेंगे सारी को, दोनों साइडों को अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। देखिए दोनों साइड फ्राई हो गई हैं, अब हम इसको निकाल लेते हैं। तो ये जी यहाँ हमारे मज़ेदार से बीफ शामी कबाब हो गए हैं तैयार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और प्लीज़ साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट आपको मिल सके। कोई भी चीज़ अगर आपको वीडियो में समझ ना आई हो तो आप डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।